नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग व समग्र ग्राम विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह। जहाँ उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। जिले में भाजपा नेताओं के बीच शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे। आपको बता दें, जहां उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे अस्पताल के लिए ये प्लांट संजीवनी के रूप में काम करेगा। उनके साथ वरिष्ठ नोडल अधिकारी डीएम चंद्र विजय सिंह, एसएसपी अजय पांडे और भाजपा के जन प्रतिनिधियों के अलावा पद अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस से वार्ता करेंगे और शाम को गुंजन रिजॉर्ट गुंजन चौक सिरसागंज पर नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए थे, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल था। इसके लिए सदर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मेरे छोटे भाई डॉक्टर श्री मनीष मसीजा जी बधाई के पात्र हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री चंद्रसेन जादौर जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम सबके नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अनिल जैन जी का आशीर्वाद मिला, वो बधाई के पात्र हैं। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पेशे से डॉक्टर भी हैं, उनका सहयोग, उनका सानिध्य, उनका स्नेह बधाई का पात्र है। प्रेमपाल धनगर जी जो हमारे विधायक हैं।